तेरे ऊपर कोई दाग नहीं, ना चरित्र पे, ना कोई किसी तौर तरीके का। तो आखिर में हमने कहा कि भाई अगर ये हरियाणा बचाना है, अगर हरियाणा में बेरोजगारी खत्म करनी है, अगर हरियाणा में किसान मजदूर का राज लेकर के आना है, अगर हरियाणा में कानून व्यवस्था जो है पूरी खत्म कर दी इस भारतीय जनता पार्टी ने, उसको कौन उखाड़ सकता है। तो सारे विश्लेषण करने के बाद हमने कहा भाई एक तरफ तो खलनायक जनता पार्टी है, आपने देखा खलनायक वाली, एक तरफ हमने देखा कि जननायक चौधरी देवीलाल जी के रास्ते पर, बाबा साहब अंबेडकर जी के रास्ते पर, चौधरी छोटू राम जी के रास्ते पर, और जो हमारे भाईचारे की संस्कृति है छत्तीसगढ़ बिरादरी, उसके संस्कारों को लेकर के कौन आगे बढ़ रहा है। तो भाई हमने देखा कि ड्राइविंग सीट पे जो है वो भाई दुष्यंत जी बैठे हैं। देखो अगर ड्राइविंग सीट पे होगा खट्टर साहब जैसा आदमी तो एक्सीडेंट बार बार होंगे। पूरा का पूरा हरियाणा जो चार चार बार जला, ये उसी ड्राइवर की वजह से जला। और भी कुछ शामिल हो सकते हैं, उनका पता लगाना और उनको सजा देना आपका काम है। हो सकता है कानून सजा ना दे, लेकिन जनता की अदालत, ये हजारों लाखों लोगों की अदालत, ये सबसे बड़ी अदालत है, ये जो निर्णय करेगी वो मैं समझता हूं कि असली निर्णय होगा। तो इसलिए साथियों ड्राइविंग सीट पे बढ़िया साथी को बिठाओ, आपका सिंबल इतना सुथरा, चाबी, ये झंडे का रंग, पगड़ी का रंग पीला और हरा देख करके इतनी आंखों को एकदम जो है ना आंख सिकाई सी हो जाती है, बढ़िया लगता है। इसलिए भाइयों दुष्यंत जी कह रहे थे पिछली सभा में जजर में सभा थी, वहां पर जो है भाई सोनू के लिए और अब भाई जो है संजय के लिए यहां पर आए हैं, अब ये बोलेंगे। लेकिन वहां पर ये कह रहे थे कि भाई हमने जो है 53 सीटर बस जो है वो बुक कर ली है। अन्नू कह रहे थे, बोले भाई जजर वाले थारी सीट बुक कर दो, तो जजर वाले ने कहा हाँ कर दो, तो बाकी तो ये बादली की पूछेंगे। लेकिन मैं भाई दुष्यंत जी को कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा ये सरकार इतनी लंबी सरकार, इन्होंने 300 किलोमीटर दूर जो है सेंटर दिए एग्जाम देने के लिए जो नौकरियों के थे, तो आपने देखा होगा ये बस में ऊपर भी चल जाते हैं, लड़कियां खिड़कियों पर लटकी हुई थी। तो ये ऐसे लोग हैं, आप 53 सीटर चाहे बेशक बस रखो, इन्होंने 70-75 सीटर बन रहा है उसमें, खड़े होके बोले चले जाएंगे। लेकिन विधानसभा भारी बहुमत से जननायक जनता पार्टी की सरकार बना करके ले जाएंगे, और उसमें संजय कमराना भी बैठेगा, उसमें झज्जर के चारों साथी बैठेंगे। और क्योंकि मेरा ये गृह जिला है, मैं सबसे अनुरोध करता हूं, देखो हम गरीब किसान मजदूर और फौजी के बेटे हैं, और ये सोच के राजनीति में आए थे कि बड़ा बदलाव करना है, और इसीलिए 26 साल तपस्या हमने करी, और 26 साल की तपस्या भाई ऐसे साथी के साथ जोड़ेंगे जो मैं समझता हूं कि इस हरियाणा को बचाएगा, बढ़ाएगा, संवारेगा, ऐसे नहीं कि जो जलाएगा, मिटाएगा, बर्बाद कर देगा, और आपको भी कर देगा, हरियाणा को भी कर देगा। तो इसलिए साथियों आप सबसे मेरी माताएं बहने यहां पर हैं, अभी यहां से और कहते हैं 2.5 किलो का हाथ गया था दुर्गाष्टम का भगोड़ा, और भाई शनि देवल जी ये झज्जर आला का भी एक बार तोल लो हाथ कितने का है। एक कोड़ी हल्की सी नू मारी थी, किसे का नुए मारी थी, मगर पीछे हट जा। तो भाई वो आज भी जो है सोशल मीडिया में पूरे देश में सबसे ऊपर चल रहे हैं। तो इसलिए और 2.5 किलो आ रहे हैं, वो 2.5 किलो आ रहे हैं, और हम दोनों जो है 100-100 किलो आ रहे हैं। मजबूती से साथ दे दो, और आने वाला समय के ये मौके बार बार नहीं आते हैं, ये इतिहास लिखने का मौका है।
इबादत लिखने का मौका है, कुछ नया करने का मौका है। और जो पिछले 4 साल में हम पीछे चले गए, ये पूरा इलाका भी चला गया, पूरा हरियाणा भी चला गया। कहते थे हम इतने करोड़ लाख करोड़ निवेश करेंगे, कहाँ है निवेश? कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस इलाके में कहीं दिखाई दिया? पूरे हरियाणा में कहीं दिखाई दिया? कोई नई नहर आई? 2.5-3 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि भाई SYL का पानी जो है वो दे दो हरियाणा को। ना केंद्र की सरकार कुछ कर पाई, ना प्रदेश की सरकार कुछ कर पाई। अब फिर वायदे करेंगे। मैं देख रहा था महाराष्ट्र वाले का वो मैनिफेस्टो।